सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक सम के इस क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्वेश्चन समझेंगे, और आफ्टर डैट जो है इसका हमारा अप्रोच क्या होने वाला और इसका कोड क्या होगा जावा कंपाइलर पे, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो ज्योमेट्रिक सम के इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, देन इसके अप्रोच के बारे में देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक के का वैल्यू मिलेगा, और आपका काम क्या है कि ज्योमेट्री जितना के का वैल्यू मिलेगा वहां तक का जो है ज्योमेट्रिक सम निकालना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन समझेंगे तो और भी चीज़ें जो है क्लियर होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस आपको रिकर्जिव करना है, मतलब कि रिकर्जन के मदद से करना है। इसमें आपको रिकर्जन का यूज करना है। सो रिकर्जन का जो भी कंसेप्ट है वो भी जो है हम आपको इसके साथ क्लियर करते चलेंगे। सो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और देन समझते हैं कि के का वैल्यू अगर हमारा डिफरेंट आएगा तो मेरा आंसर एक्चुअल में क्या होने वाला है। सो जो हमारा ज्योमेट्रिक सम का जो सीरीज है जिसमें हमें ज्योमेट्रिक सम कैलकुलेट करना है, वो जो हमारा सीरीज है वो हमारा 1+1/2 +1/2^2 +1/2^3 +1/2^4 और सो ऑन जो हमारा चलते जाएगा कहाँ तक, 1/2^k तक जो हमारा ये चलेगा। अगर यहाँ कुछ भी नहीं तो 2^1, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 2^0 जो है हमारा हो सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो हमारा जो है ये सीरीज है और इसमें हमें जो है k का वैल्यू मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है। लेट्स अज्यूम कि आपको जो है k इज इक्वल टू 3 मिला। सो स्टार्टिंग मतलब k 3 मिला तो आपको 2^3 तक जाना है, मतलब कि आपको 1+1/2 होगा, उसके बाद 1/2^2 और +1/2^3। तो जो भी आपको k का वैल्यू मिलेगा वहां तक जाना है। अगर मान के चलो आपको k का वैल्यू 5 होता तो इसमें +1 करके आपको 2^5 जो है ऐड करना होता, 6 होता तो एक और हमें ऐड करना होता। तो ये चीज़ें जो है हमें करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि अगर हमें डिफरेंट के का वैल्यू होगा तो उसके लिए हमारा जो ज्योमेट्रिक सम है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो के का वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो इसके लिए हमें सम कैलकुलेट करना है। सो हमारा जो ज्योमेट्रिक सम के जो एलिमेंट होंगे वो हमारा ये होगा। तो आई थिंक ये एलिमेंट क्लियर होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन होके क्या आएगा, 1+1/2+1/4+1/8, और जब आप इसका टोटल कैलकुलेट करोगे सम तो 15/8 आएगा। और इसको जब आप टोटल फाइनल आंसर अपना कैलकुलेट करोगे तो 1.875 समथिंग आएगा। तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर होगा, 1.875। सो ये मेरा फाइनल आंसर है। सो मेरा काम क्या है कि के का वैल्यू मिलेगा, और मेरा काम है कि इसको रिकर्जन के मदद से जो है हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। टोटल जो ज्योमेट्रिक सम होगा वो हमें फाइनल आंसर तक जो है इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा वो हम देखते हैं। लेकिन उनसे पहले आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा कि ज्योमेट्रिक सम के अंदर हमें करना क्या है। सो ये काम जो है हमें किसके मदद से करना है, रिकर्जन के मदद से करना है। तो रिकर्जन में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें एक प्रॉब्लम मिला तो उस प्रॉब्लम को जो है दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट पे जो है हम खुद काम करेंगे, तो ये मान के चलो एक ऐसा पार्ट है जिस पे हम खुद काम करेंगे, और दूसरे पार्ट पे जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि इसका आंसर जो है कैलकुलेट करके दो। अभी तक हमने जितने भी रिकर्जन के क्वेश्चन कराए, हमें एक प्रॉब्लम मिला है उसको दो पार्टों में सबसे पहले डिवाइड करा है, एक पार्ट पे मैंने खुद काम करा है, दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोला है। तो यहाँ पे जो है सेम काम करेंगे, एक पार्ट पे जो है हम खुद काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोलेंगे कि रिकर्जन जो है आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। सो जिस पार्ट पे हम काम करते हैं वो एक छोटा सा पार्ट होता है, और जो पार्ट हम रिकर्जन को देंगे वो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होगा। बिगर वाला पार्ट जो है रिकर्जन हमें सॉल्व करके देगा, और जब उसका आंसर हमें रिकर्जन कैलकुलेट करके दे देगा तो हम जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम अपना आंसर अगर कैलकुलेट करके रिकर्जन को देते हैं तो रिकर्जन जो है बड़े वाले का आंसर कैलकुलेट करके हमें दे सकता है। तो दोनों वाइस वर्सा है, सो कुछ भी आप जो है कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास जो है 2^k तक का जो है सम निकालना है, अगर मैं आपको 1/2^k-1 तक का अगर सम कैलकुलेट करके दे दूँ, ये अगर हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो इससे पहले हमारा जो एलिमेंट होगा वो हमारा ये एलिमेंट होगा 1/2^k-1। अगर मैं 1 से लेके यहाँ तक का जो भी सम है, यहाँ तक का अगर टोटल सम कैलकुलेट करके दे दूँ तो क्या आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो? तो आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान के चलो 1 by 2^1 का आंसर जो है
हमें आंसर नाम के किसी एक वेरिएबल में स्टोर है। तो आपका आंसर टोटल क्या होगा, ये आंसर और जो लास्ट में आपके पास जो एलिमेंट बचा है मतलब कि 1/2 रेज टू पावर के को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे तो मेरा यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमने सेम एग्जांपल देखा था k=3 के लिए, तो उससे जो है हम चीज़ें समझ सकते हैं। सो k=3 के लिए हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो 1, 1/2, 1/2 रेज टू पावर 2 और 1/2 रेज टू पावर 3 जो है हमारा ये आंसर होगा। सॉरी, ये हमारा सारे एलिमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो हमारे पास जो है ये सारा एलिमेंट है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इतने का आंसर अगर आपको मैं कैलकुलेट करके दे दे तो आपको टोटल सम कैलकुलेट करना है। सो अगर इतने का आंसर मैं आपको मान के चलूँ, इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स आया। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इस एक्स में जो है 1/2 अगर 1/2 रेज टू पावर 3 अगर ऐड कर लोगे तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सो मुझे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर अगर हमें कैलकुलेट हो जाएगा तो हम जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी आंसर है वो हम क्या करेंगे, रिकर्जन से जो है कैलकुलेट कराएंगे। सो हम जो है 1 से लेके 2 रेज टू पावर k-1 तक का जो भी वैल्यू है, ये मेरा जो है अगर k 3 है तो 2 रेज टू पावर k-1 मतलब कि 2 तक का जो है वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा। सो ये पार्ट जो है अगर हमें रिकर्जन कैलकुलेट करके दे देगा तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें हमें अपना आंसर मतलब कि 2 रेज टू पावर k 1/2 रेज टू पावर k अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। सो 2 रेज टू पावर k-1 तक का जो काम है वो रिकर्जन करके देगा और उसके मदद से जो है हम अपना आंसर फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। और रिकर्जन में एक और चीज़ होता है जो कि हमारा होता है बेस केस। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बेस केस क्या होगा, सो किसी भी रिकर्जन के क्वेश्चन में अगर आप रिकर्जन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है दो पार्ट तो आपको ये सोचना होता है और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा बेस केस होता है। सो बेस केस जो है इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक क्लियर होगा कि k=2 अगर हमारा 0 होगा तो वो हमारा जो है बेस केस होगा, जहाँ पे हमारा रिकर्जन काम करना बंद करेगा, जहाँ बेसिकली हमारा रिकर्जन जो है टर्मिनेट होगा। सो अगर k=0 हो सो 1/2 रेज टू पावर 0 मतलब कि 1 जो है मेरा फाइनल आंसर आएगा। सो k अगर मेरा 0 हो तो उन केस में मेरा आंसर जो है 1 होगा और यही मेरा जो है इस क्वेश्चन के लिए बेस केस होगा। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ क्लियर होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और वहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे जो है एक ज्योमेट्रिक सम के नाम से क्लास क्रिएट कर रखा है और वाइडमैन के अंदर जो है के नाम का वो इनपुट है जो कि हमें यूजर से लेना है कि कितने तक का हमें जो है सम कैलकुलेट करना है और साथ में जो है एक आंसर बनाया आंसर वेरिएबल डबल करके जिसमें जो है हम फाइंड ज्योमेट्रिक सम और उसमें पास क्या कर रहे हैं के पास कर रहे हैं मतलब फाइंड ज्योमेट्रिक जो है हमारा ये एक फंक्शन है जिसको हम कॉल लगा रहे हैं और उसमें हम जो है हम अपना के का वैल्यू दे रहे हैं और जो हमें फाइनल ज्योमेट्रिक जो है इसका रिटर्न टाइप डबल है मतलब कि ये एक डबल को रिटर्न करेगा। इंटीजर और डबल में आई थिंक आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। सो ये जो है डबल पॉइंटेड वैल्यू के साथ जो है रिटर्न करेगा और जो हमें आंसर मिलेगा उसको आंसर नाम के अंदर जो है स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उस आंसर को जो है हम प्रिंट करा रहे हैं लाइन नंबर 18 में, लेकिन हम प्रिंट करा रहे हैं तो कुछ इसमें और फॉर्मूला अप्लाई करा है जैसे डिक डॉट फॉर्मेट। ये बेसिकली क्या करेगा, डिक डेसिमल फॉर्मेट है जो कि हमें जो डबल में मिलेगा उसको कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, तो इस पॉइंट में जो है कन्वर्ट करेगा मतलब कि अगर मान के चलो यहाँ पे 1.875 आता है तो 1.875 होगा और बाकी जो है हमारा 2 जीरो बच जाएगा तो 2 जीरो जो है एट इज वहाँ पर आ जाएगा। तो हमें जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट लेने हैं वो कितने पॉइंट लेने हैं, तो 2, 2, 4 और 1, 5 पॉइंट जो है लेने हैं। तो जहाँ तक अगर हमें नंबर मिलेगा वो नंबर रहेगा और अगर नंबर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जो है हमें क्या करेगा, 0 को प्रिंट करेगा। तो ये काम जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो डेसिमल के बाद हमें 5 टाइम्स तक जाना है सो हम 5 जीरो यहाँ पे ले रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो एक जो हमारा ज्योमेट्रिक सम था k=3 के लिए वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, तो 1/2 + 1/2 रेज टू पावर 2 + 1/2 रेज टू पावर 3 ये था और इसका सम जो है हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारा जो रिकर्जन है उसके अंदर जो है सबसे पहले बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या था कि अगर हमारा k जो है 0 के इक्वल हो, इन केसेस में मेरा आंसर जो होगा वो 1 होगा। सो यहाँ से 1 को जो है हम रिटर्न करेंगे अगर हमारा k 0 हो। अगर k 0 नहीं होता है तो सबसे पहले
रिकर्जन कॉल लगाएंगे, और रिकर्जन में जो है हम अपना वैल्यू देंगे, मतलब कि हमारे पास जो जो मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है उसका सम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रिकर्जन। सो वन से लेके के माइनस वन तक का जो वैल्यू है वहाँ तक का जो है हमें सम चाहिए। सो रिकर्जन को कॉल कैसे लगाते हैं, मतलब रिकर्जन का कोड कैसे लिखते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं एक नए वैल्यू के साथ, और ये जो फंक्शन है फाइंड ज्योमेट्रिक इसी को कॉल करेंगे। इसका रिटर्न टाइप जो है डबल है, सो इसका रिटर्न टाइप डबल है तो इसको कहीं पे स्टोर करना होगा डबल नाम के वेरिएबल में। सो डबल स्मॉल आउटपुट नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें जो है हमें रिकर्जन से जो आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। सो फाइंड ज्योमेट्रिक सम, ये मेरा फंक्शन है और इसमें हमें जो वैल्यू देना है वो हमारा वैल्यू क्या होगा, के माइनस वन, मतलब कि के माइनस वन तक का जो है वैल्यू जहाँ तक हो वहाँ तक का जो है हमें ये सम कैलकुलेट करके दे देगा ज्योमेट्रिक सम। अगर हमें रिकर्जन अपना आंसर कैलकुलेट करके दे दिया तो उसके बाद जो है मेरा काम है कि मैं अपना आंसर कैलकुलेट करूँ। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, लेट्स एज्यूम कि जो मेरा फाइनल आंसर है वो आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। सो डबल आउटपुट, मैं अपना फाइनल आंसर कैसे निकालूंगा, तो जो हमें रिकर्जन ने आंसर कैलकुलेट करके दिया वो स्मॉल आउटपुट प्लस 1/2 रेज टू पावर जो है हमें के देना है। सो 2 रेज टू पावर के कैसे देंगे जावा के अंदर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट पावर, मतलब ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसमें जो है हम दो वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो हमारा 2 होगा और इसके पावर में हमें क्या देना है, तो इसके पावर में हमें के देना है। सो 2 रेज टू पावर k जो है इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये जो हमने फंक्शन लिखा है ये फंक्शन जो है क्लियर होगा। सो हमें जो वैल्यू देना था जो हमारा सबसे लास्ट वैल्यू होगा यहाँ तक का सम हमें कैलकुलेट करके दे दिया। अब हमें 1/2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 रेज टू पावर k का वैल्यू देना है, ऐड करना है। सो 1 और उसके बाद मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर क्या करेगा, मैथ में सबसे पहले 2 है सो 2 और उसके बाद जो वैल्यू है वो इसके पावर में यहाँ पे इस तरीके से जो है लिखेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हमने लिखा है वो क्लियर होगा, और जब मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद बेसिकली मैं इस आंसर को जो है रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा काम जो है हो जाएगा। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा जो है रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। सो सेम टेस्ट केस लेते हैं k=3 के लिए, देखते हैं जो कि मेरा था 1.8750। डबल जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो 5 5 टाइम्स 0 यहाँ पे लिया था लाइन नंबर 14 पे ये, तो इसमें 8 7 5 जो है ये तो अपना नंबर ऑक्यूपाइड कर रहा है और उसके बाद 2 0 है सो वो 2 0 यहाँ पे आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा, कोड भी क्लियर होगा। कहीं कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा।